स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में। और कल मैं आ गया था यहाँ पे चाइना से, कल आते ही कुछ नहीं अपनी वापसी की ट्रेन टिकट बुक कराई हमने कोलकाता की, क्योंकि बांग्लादेश उन कंट्रियों में से है मतलब जो मेरे इंटरेस्ट से थोड़ा बाहर है। काफ़ी लोगों को, मेरे दोस्तों को काफ़ी पसंद आई, जैसे नवदीप पाजी आए थे, दीपांशु आया था, काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आती है, पर सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मेरी थोड़े इंटरेस्ट से बाहर है, तो मैंने आती भाई अपने रिटर्न की टिकट बुक करा ली थी कि भाई 16 तारीख को यहाँ से चला जाऊँगा। आज 14 है, कल 15, 16 की सुबह सुबह 5 बजे तो मेरे को स्टेशन पर पहुँच जाना है, सुबह 8 बजे की ट्रेन है यहाँ से कोलकाता की। तो जैसे भाई अपने नेबरिंग कंट्री होगी नेपाल भूटान, उसमें इंडियन रुपये चल जाते हैं, पर बांग्लादेश में इंडियन रुपये नहीं चलते। यहाँ बांग्लादेश की अलग से करेंसी है जिसका नाम है बांग्लादेशी टाका, TAKA, बांग्लादेशी टका, टका कहते हैं लोग। तो 1000 टका के नोट है, 500 के नोट है, काफी सारे हैं। तो हाल फिलहाल में बांग्लादेशी करेंसी काफी डाउन चली गई है, और जो ऑनलाइन रेट दिखा रहा है उससे भी ज्यादा आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। मतलब एक इंडियन रुपए पे 1.4 का रेट आपको बड़े इजीली मिल जाएगा, और ऑनलाइन दिखाता है 1.3 के करीब, तो 1.4, और यहाँ पे आप कहीं भी आसपास कराओगे तो मे भी 1.45 तक शायद मिल भी जाए। तो मतलब 1000 इंडियन रुपए दोगे तो 1400 आपको बांग्लादेशी टका मिल जाएंगे। इसलिए मैंने ATM से भी नहीं निकाले, मेरे पास इंडियन कैश पड़ा ही था, तो मैंने वही करा कि मैंने कहा फ़ायदा भी उसी में है कि इंडियन कैश ही चेंज कराओ, कैश भी चेंज हो जाएगा, अकाउंट से भी पैसे नहीं निकलेंगे, और क्या कहते हैं अपना एक्सचेंज रेट भी फालतू मिलेगा। तो अभी मेरा प्लान है भाई यहाँ से जाना गुलशन। अभी मैं रुका हूँ ढाका का जो मेन स्टेशन है उसके बिल्कुल पास, 1 किलोमीटर दूर। तो ये मतलब ओल्ड ढाका मान लो, पुराना ढाका, यहाँ पे ट्रैफिक चूंचा बहुत सारी है। तो मतलब मेरे रूम में से ऐसा कोई रूम है, ये रूम मेरे को पड़ा भाई $20 का, $20.50 का कुछ, 2200 बांग्लादेशी टका में। तो यहाँ से हम करेंगे भाई रिक्शा, कहते हैं भाई, मैंने दीपांशु की वीडियो देखी कि यहाँ पे भाई 10 लाख रिक्शा हैं, मतलब सिर्फ एक शहर में 10 लाख रिक्शा, मतलब 1 मिलियन रिक्शा भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब हर रिक्शा वाले पे अगर डिपेंडेंट मान ले तो 40 लाख लोग डिपेंडेंट है, मतलब रिक्शा वाले की वाइफ, उसके 2 बच्चे भी मान ले तो 40 लाख लोग हो जाते हैं जो रिक्शा चालकों पर डिपेंड है। चाहूँ तो मैं टैक्सी भी कर सकता हूँ, पर रिक्शा से ही चलेंगे। चलो अभी मेरे को 2 दिन का होटल किराया और देना है, कल तो मैंने दे दिया था, अब 2 दिन का आज का और कल का और देना है, वो देते हैं और चलते हैं। तो भाई ये अपना होटल मेरे को डिसेंट लगा यार, बांग्लादेश में होटल बहुत ही महंगे हैं ऑनलाइन जो लिस्टेड हैं, वैसे तो ठीक ही था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, हमको गुलशन उस तरफ है तो क्रॉस करके वहाँ से रिक्शा ले लेंगे, वरना ये पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है इसमें फंस जाएंगे। देख लो पी पी भाई, हाँ मेरे रूम में पूरे दिन आवाज आती है, पूरे दिन रात के 2 बजे तक। ये देख लो भाई इनके ऑटो बिल्कुल जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, जिसमें मैं कल एयरपोर्ट से आया था, बिल्कुल जेड प्लस, आते वक्त इसमें आ जाएंगे। अभी तो इस रिक्शा में चलेंगे ओपन वाली में, मौसम भी सही हो रहा है, 13-14 डिग्री का मौसम हो रहा है, देखना भाई कितने हैं, इंडिया में इतने तो कभी देखने को नहीं मिले, ये बात तो सही है। फिर मतलब बांग्लादेश में 10 लाख रिक्शा हैं, डेढ़ डेढ़ करके आ रहे हैं भाई, पता नहीं कितने लेंगे अब गुलशन तक, 7-7.5 किलोमीटर है, लेंगे जितने ले लेंगे, कोई नहीं यार, गरीब लोग हैं, इनसे बार्गेनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल ऑटो वाले ने भी जितने मांगे मैंने उतने दे दिए ऑटो वाले को भी, क्या फ़ायदा इनसे बार्गेनिंग करके। ये देखो भाई ट्रैफिक रुकवाने के लिए पुलिस वाला कैसे खड़ा है, कोई नहीं जाएगा जब तक पुलिस वाला रोड पर खड़ा था, हर चौराहे पे यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं भाई। वो है अपना होटल, और 1600-1700 रुपये के हिसाब से मेरे को डिसेंट लगा काफ़ी, मतलब इतना भी कुछ हाई फाई नहीं है, इतना बेकार भी नहीं है, स्टाफ काफ़ी अच्छा लगा पर मेरे को। जेड प्लस ऑटोज, ये ऑटोज देने चाहिए भाई हमारे जेड प्लस सिक्योरिटी मंत्रियों को इंडिया में। देखो यहाँ भाई एक भी रेड लाइट नहीं है, लगी हुई है पर वो चल नहीं रही हैं, तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। देखो जैसे अब ये रुकवा दिया, वो देखो पुलिस वाला खड़ा वहाँ पे ग्रीन वाले में, वो पुलिस वाला है, अब कोई नहीं निकलेगा, अब यहाँ से लेते हैं रिक्शा। भैया गुलशन चलोगे? गुलशन हाँ, क्या भाई इनसे बात हो गई है, इन मतलब कुछ बंगाली बोल तो रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा चलो गुलशन समझ गए ना, गुलशन ले चलो मेरे को। चलो भाई आज तो रोड बड़ी खाली है यार भाई, यहाँ मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि इंडिया से भी ज़्यादा चींची पीपी हैं भाई, थोड़ा फ़ोन संभाल के रखना पड़ेगा, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं बांग्लादेश से, उन्होंने भी कहा ढाका में थोड़ा संभल के रहना,
कि भाई स्नैचिंग विनैचिंग होती है, मेरे को तो पता नहीं भाई, उन्होंने ही बताया मेरे को, तो उनका मैसेज आ रखा था। देखो भाई रिक्शा ही रिक्शा, रिक्शा ही रिक्शा, ये वाली रिक्शा नहीं तो ये वाली, इसको ऑटो नहीं कहते। कल भी एयरपोर्ट पे खड़े होकर मेरे से वो बोल रहा ये मेरा CNG है। मैंने कहा CNG है, CNG का क्या मतलब है? वो ऑटो को CNG बोलते हैं यहाँ पे। भाई ये बस कैसी थी देखना। अरे भाई ओ भाई ओ भाई, मार दिया मार दिया, करने दे क्रॉस भाई। कितनी रिक्शा देखो, ओहो भैया भाई, रिक्शा वालों की ना जिन देखो सारे लुंगी पहनते हैं, सारे लुंगी पहनते हैं, जैसे मेरे ड्राइवर ने लुंगी पहन रखी, इसने पहन रखी है। ओ भाई पीछे वो टेम्पो वाला हॉर्न देने लग रहा है, चटाले साइड में, ये देखो छप्पर ले आए। ओ भाई ओ भाई, मेरी फट गई सही में अभी इस क्रॉसिंग में। इस जाम में आप गिनो कितने रिक्शा हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी रिक्शा है ढाका में, बहुत। अंकल का कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पीछे देखो कितनी है। ओहो भाई अंकल की पूरी नस दिखने लग रही है देखो। ये है भाई बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, और अभी तो इलेक्शन हुए हैं, मेरे को रिजल्ट वगैरह का पता नहीं है, दोबारा ये बन गई है नहीं बनी है, पर अभी इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में दोबारा, कल ही आखिरी मतलब थे। मार दे भाई मार दे। ये फाटक आ गया भाई, ओ पटरी पर रोक चल रहे हैं, ये क्या है भैया। भाई मार दिया भाई इसने तो। भाई ढाका की सारी बस ऐसे लग रही है जैसे ना ये दीवार को रगड़ के आई हो, दीवार रगड़ दी हो इन्होंने पूरी। आ गई है भाई यहाँ पे भी रिक्शा, धीरे धीरे आ जाएंगी। देखो भाई सारी बस ऐसे लगेंगी जैसे दीवार पे रगड़ के आई हुई है खुद को। देखना मेरे को पता है पहले क्या लगा, गोल गोल जो मैंने, मेरे को लगा टायर लटका रखे हैं, पर टायर नहीं है। देखो पुलिस वाले हैं बांग्लादेश के, ट्रैफिक पुलिस, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म। यार अभी सोचो सीढ़ी वाला ब्रेक मार दे, मेरे अंदर घुस जाएगी ये सीढ़ी। हाँ दादा, शेख हसीना जीत गया क्या? जीत गया कौन सी, पांचवी बार जीत गया, जीत गया। हाँ भाई थोड़ा खुले एरिया में पहुंचे हैं भाई, यहाँ पे KFC भी है और डोमिनोज भी है। KFC तो ये गया, बाद में खाएंगे इस पे। ये आ गया ब्रैक यूनिवर्सिटी। लो भाई कहते ही डोमिनोज भी आ गया, पता नहीं मैकडोनल्ड का नहीं पता मेरे को, है नहीं अभी तक तो दिखा नहीं। बांग्लादेश का फ्लैग भाई ग्रीन और रेड, ऐसे दो फ्लैग और देखे होंगे आपने, जापान का और पलाऊ का, मतलब ऐसी में मतलब पूरा एक कलर फिर बीच में एक सर्कल किसी कलर का, पलाऊ का ऐसा, जापान का और बांग्लादेश का। भाई यहाँ उतार दिया रिक्शा वाले भाई ने, और यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। देखो सारे रिक्शा वाले यहीं खड़े हैं क्योंकि इनको ना गुलशन के अंदर जाना अलाउड नहीं है मेरे हिसाब से, पता नहीं शायद ऑटो वालों को अलाउड क्या है, वरना वो ले जाता है यहाँ से। मतलब ये मान लो 500-600 मीटर की वॉकिंग पे आ जाएगा गुलशन 1, और फिर आएगा गुलशन 2। ये लेक आ गई एक, इसको शायद गुलशन लेक कहते हैं जहाँ तक मैं GPS पे देख पा रहा था, और अब हम चलेंगे पैदल। तो अंकल ने जब मेरे को छोड़ा तो मैंने 500 का निकाला, मैंने कहा 200 है, तो उसको लगा मैं कह रहा हूँ 200 ले लो, कहता नहीं 300। अरे मैंने कहा भाई नहीं भाई 300 ही रख भाई, मैं 200 वापस लेने की बात कर रहा हूँ। तो 300 बांग्लादेशी टाका मतलब 200 रुपये हो गए लगभग आज के रेट के हिसाब से, जो मेरे को मिला 200-210 ऐसा कुछ। अब देखते हैं भाई गुलशन कहते हैं ये ढाका का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, देखते हैं भाई जाके कैसा क्या है, वहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। भाई सामने से आने लग रही है बांग्लादेश की मेरे हिसाब से सरकारी, ये सारी प्राइवेट हैं, वो डबल डेकर जो आ रही है वो सरकारी है, ये गई डबल डेकर, इसमें भी बैठेंगे देखते हैं कहीं चले जाएंगे ऐसी बैठ के। और ये देखो भाई ये आ गया गुलशन 1, इसको कहते हैं डेवलपर यार, मेरे को तो इतना खास लगा नहीं मैं सही बताऊँ गुलशन 1 तो, देखते हैं चलो इस तरफ जाना है हमको। और भाई इतने अगर स्क्रैच मतलब बस वाले आपसी में मार रहे हैं दीवार में रगड़ रहे हैं तो ठीक है, पर गाड़ी वालों को अगर मार रहे होते ना दिल्ली वगैरह में इतने स्क्रैच, गाड़ी वाले मतलब इतने ज़्यादा
तो गाड़ी वाले तो भूत बना देते बस वालों का मार मार के उनको, इतने थोड़ी होते हैं। अरे इन्होंने तो मतलब हद सी मचा रखी है बिल्कुल। चलो आ जाओ, ये बसें मस्त लग रही हैं भाई मेरे को इनकी, इसके ऊपर वाली सीट पे बैठ के जाएंगे। इन्होंने देखो इतनी नहीं मार रखी कि प्राइवेट वाले ज्यादा मतलब कर रहे। अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, वो रहे बांग्लादेश के सबसे फेमस क्रिकेटर शाकिब अल हसन, ये सीमेंट की प्रमोशन करते हुए, और हमको भी इस तरफ जाना है। ये गुलशन वन का मेन चौराया आ गया। ये तो इतना खास नहीं लगा मेरे को, सही बताऊं बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो है पर इतना खास नहीं लगा जितना मैंने सोचा था, जितना कहते हैं। चलो आ जाओ, चलते ही हैं भाई। इन बड़ी बिल्डिंगों की बात हो रही होगी मेरे को लग रहा है, जो आगे तक है, मतलब थोड़ा DLF साइबर सिटी का मिनी वर्जन जो डेवलपमेंट में अभी, वैसा लग रहा है। हाँ भाई, यहाँ की सड़कों पे देखो आप, वो वाले रिक्शा नहीं दिख रहे, सिर्फ ये CNG वाले दिख रहे हैं, मतलब इनको CNG कहते हैं लोग। वो वाले बिल्कुल एक भी नहीं दिख रहा, वो यहाँ पे लाने अलाउड ही नहीं है। मतलब वही कर दिया कि ये अमीर एरिया दिखाना है तो गरीब रिक्शा वालों को कह दिया यहाँ पे आना ही नहीं है। तो आप लोग ये नज़ारा देखते रहो और मैं आपको थोड़ी चीज़ें बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। तो बांग्लादेश है दुनिया की 8th सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, जिसमें रहते हैं लगभग 18 करोड़ लोग। बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है सिर्फ दो कंट्रियों के साथ, एक है इंडिया और एक है म्यांमार। बांग्लादेश में मेजॉरिटी ऑफ लोग 90% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, पर यहाँ पे 8% हिंदू लोग भी रहते हैं। बांग्लादेशी करेंसी है बांग्लादेशी टाका, और यहाँ पे लोगों को जैसे इंडिया को इंडियंस कहते हैं, बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेशी कहते हैं। तो भाई बहुत ही बड़ा हाथ था इस देश का बनने में इंडिया का, क्योंकि 1971 में जो जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उससे पहले बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान। तो अगर इंडिया शायद वो जंग ना करता, या फिर पाकिस्तान ही ना करता वो जंग, शुरुआत ही ना करता पाकिस्तान उस जंग की, तो आज ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही होता और शायद विजिट भी नहीं कर पाते हम। सोचो अगर 1971 में पाकिस्तान सोचता कि भाई जंग नहीं करनी है, तो आज ये शायद मेरे हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान ही रहता, बांग्लादेश ना बन पाता। क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा हाथ था ना बांग्लादेश को बनाने में, सबसे बड़ा हाथ ऑब्वियसली बात है इंडिया का ही था। बांग्लादेशी लोग भी इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर। कमेंट करके बता देना यार, आप में से कोई भी बांग्लादेशी हो, आप लोग मानते हो इंडिया का हाथ था या नहीं था। मैं तो मानता हूँ भाई कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था से बांग्लादेश बना, पर उसी चीज़ से मेरे को एक चीज़ से मतलब अजीब लगता है कि बांग्लादेश को ना इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर देना चाहिए यार। हमने इतनी बड़ी मदद करी, एक अलग देश बनाया बंगालियों के लिए, या फिर जो बांग्ला लोग हैं, तो हमारे लिए तो वीज़ा फ्री कर दो यार कम से कम इंडियंस के लिए। इतना मतलब कलकत्ता में धक्के ना खाने पड़ते मेरे को भाई। एरिया तो इतना डेवलप कर दिया अभी पुलिस वाला भी, मतलब ओ ओ ओ उड़ा दिया भाई पुलिस वाले को, उड़ा देता ये बंदा तो अभी। तो मतलब रेड लाइट लगा ही दो यार, जब इतना खर्चा कर दिया एरिया में, तो पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे रेड लाइट ही पुलिस वालों को, मैनुअल काम ही चल रहा है बिल्कुल। और भाई दिल्ली की तरह ही बांग्लादेश की कैपिटल ढाका भी है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जैसे दिल्ली भी मोस्ट पोल्यूटेड हो चुकी भाई अब तो मेरे को यहाँ पे भी फील होने लग रहा है कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। वैसे तो मेरे को, मैं सच बताऊँ ना भाई, मेरे को तो चलते चलते ही फील हो रहा है कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ, कहीं बाहर बाहर नहीं आया मैं, ये इंडिया ही चल रहा है। ये पहुंच गया भाई हांडी रेस्टोरेंट लिफ्ट 4th फ्लोर पे है। मतलब भाई बांग्लादेश में ना जैसे वन ग्राउंड फ्लोर होता ही नहीं, फोर्थ पे जाना पड़ेगा। मतलब वैसे तो थर्ड है ये, पर फोर्थ है, मतलब वो रशिया वाला सिस्टम, पर इंडिया में ऐसा नहीं, पता नहीं बांग्लादेश में ऐसा क्यों है। मेरे होटल में भी ऐसा ही है, दबाओ फोर्थ पहुंचोगे थर्ड पे, उनकी लिफ्ट पुरानी है, उन्होंने बटन चेंज करवा दिया होंगे अपने भाई। ये है हांडी रेस्टोरेंट, और देखो कितनी सही लोकेशन है, आप यहाँ से व्यू वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें मैं कल गया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, और प्राइस बहुत कम है भाई। कल जो मैं गया था भाई, उन्होंने तो मेरे को लग रहा है लूट लिया रात को, मतलब था तो उनका भी मेन्यू ही, पर यहाँ बहुत सस्ता है वहाँ के हिसाब से। महंगा तो है बांग्लादेश के हिसाब से, पर ठीक है भाई। यहाँ पे कोको कोला मंगाई है मैंने, देखो अब यहाँ पे जो लिखा है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना, ये लिखा है इका काला, मतलब ले समझ में आ रहा है और एक कै समझ में आ रहा है, और ये भी कै ही होगा फिर, ये वाला भी कै ही है, ये वाला भी कै ही है, कोका कोला ऐसा होगा कुछ, मतलब ये डिज़ाइन बना के लिख रखा है, तो काफ़ी सिमिलर है, मतलब लिपि ना बंगाली लिखने की और हिंदी लिखने की। भाई ये आ गया अपना पनीर बटर मसाला, ये आ गया गार्लिक नान, नहीं आज ये पनीर नान है, ठीक है।
ठीक है। कल जिसमें रेस्टोरेंट में मैंने खाया था ना भाई, खाना उसका लाजवाब था, मेरे को बहुत ही सही लगा, मसाले वसाले एक्यूरेट क्वांटिटी में थे। इसका देखते हैं आज कैसा है। तो भाई कल भी मैं जिस रेस्टोरेंट पे गया था ना, वहाँ पे मैंने पहले पनीर बटर मसाला ही ऑर्डर करा था, पर उन्होंने बोला था पनीर बटर मसाला तो सर अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी वेज डिश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दाल तड़का वड़का कोई नहीं है। तो मैंने चिकन टिक्का मसाला करवा दिया था भाई, फिर क्या पनीर बटर मसाला खाया, मतलब नॉर्मल था, 10 में से 5 दूंगा मैं, मतलब खाने लायक था, ऐसा नहीं है कि बेकार था, पर इतना अच्छा नहीं था। तो मतलब ये शायद बांग्लादेश के लोग ना नॉन वेज डिशेज ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तो पैक भी करा लिया थोड़ा बहुत, एक मतलब पनीर नान और जो अपनी पनीर की थोड़ी बहुत सब्जी बची थी वो पैक करा ली, शाम को खा लेंगे। अब चलते हैं भाई यहाँ से वॉक करके गुलशन टू भी देख लेते हैं कैसा है, उसको भी कहते हैं गुलशन वन जैसा, मतलब अच्छा एरिया है, कहते हैं गुलशन टू ज़्यादा अच्छा गुलशन वन से, तो वो देख के फिर वहाँ से ऑटो वोटो लेके देखते हैं कहाँ चलेंगे, वापस चलेंगे या फिर कोई और जगह दिमाग में आती। कल के लिए मेरे दिमाग में है 2-3 जगह, पर वो कल दिखाऊंगा मैं आपको। ये शायद मस्जिद का साइन है, ये बस स्टैंड लग रहा है। हाँ यहाँ तो भाई देखो थोड़ा डेवलपमेंट तो लग रही है, देखो जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे शॉपिंग मॉल मतलब मैंने अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में देखे हैं जो यहाँ बने हुए हैं। SBI भी है भाई, मेरे पापा SBI में काम करते हैं ना, तो बांग्लादेश की ब्रांच होगी ढाका की। मैं बांग्लादेश कह देता हूँ यार, बार बार गलती से ना ढाका को, कि दिमाग में बांग्लादेश ही चल रहा है, ढाका चल ही नहीं रहा है। भाई ये आ गया इनका गुलशन टू का चौराया, तो मतलब यहाँ पे थोड़े स्क्रीन्स वगैरह लगे हैं जैसे टाइम स्क्वायर पे लगे ना, एक ये हो गया, 2 स्क्रीन ओवर है, टाइम दिखा रहा है 3:10, वो हो गया, तो थोड़ा मतलब इसको ऐसे डेवलप कहते हैं, मतलब मेरे लिए नॉर्मल लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या पता मैं ज़्यादा बड़े बड़े देश में देख चुका हूँ, मतलब दिल्ली में भी ऐसा आपको मिल जाएगा, मतलब हाँ इतने बड़े स्क्रीन कहीं नहीं लगे मेरे हिसाब से दिल्ली में अभी तक, पर ठीक है, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं जितना मैंने सुनने में आया था कि भाई गुलशन टू गुलशन वन पता नहीं क्या ही है, पर हाँ ठीक है बांग्लादेश के हिसाब से काफ़ी सही है यहाँ पे। अरे पी ना मैं थक गया भाई सुन के, मैं सही बताऊँ इंडिया में भी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता इतना अपने, जब दिल्ली में होता हूँ कि पी दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। बस यहाँ पे ये है कि भाई रेड लाइट वगैरह लगी हुई है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की भी लाइटें लगी हुई हैं, इतना ही सा अंतर दिख रहा है, थोड़ी रोड चौड़ी हैं, ट्रैफिक कम लग रहा है बस। भाई मेन रोड पे रिक्शा वाले नहीं दिख रहे, पर यहाँ पे दिख रहे हैं, और सब ने पता नहीं कोई जैकेट टाइप पहन रखी है ऑरेंज और नियॉन कलर की, तो इनका कुछ होता होगा भाई इस एरिया में, वैसे तो नॉर्मल एरिया में तो कुछ नहीं पहनते। भाई पूरा गुलशन वन से लेकर मैं 2 तक चला गया था, 2 से मैं पैदल आ गया वापस, मतलब लगे होंगे 15 मिनट के करीब, और अब मैं जाऊँगा बोट पकड़ के जाऊँगा एक जगह, मतलब आधा डिस्टेंस बोट से कवर करूँगा, फिर ऑटो ले लूँगा वापस। भाई मैं इस लेक के पास आ गया हूँ, नदी के पास, यहाँ पे सब कुछ ये नकली माल कपड़े वगैरह बिकने लग रहे हैं, यहाँ से बोट मिलेगी मेरे को गूगल पे, जहाँ तक मैंने देखा रामपुरा के लिए, रामपुरा से आधा डिस्टेंस कवर हो जाएगा अपना, और फिर वहाँ से 4 किलोमीटर और बचेगा अपना होटल। मेरे को लग रहा भाई वैसी कोई बोट मिलेगी हमको रामपुरा जाने के लिए, मतलब मैं अपने होटल की तरफ ही चलने लग गया हूँ वापसी। गुलशन मेरे होटल से लगभग 8 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में चल के आ गया, 2 किलोमीटर बोट छोड़ देगी, फिर ऑटो ले लेंगे, कुछ ऐसा ऐसा करके जाएंगे, तो मज़ा सा आए थोड़ा। भाई यहाँ से मिल जाएगी आपको रामपुरा के लिए टिकट, और भाई कितना पुराना नोट मिल गया देखना, 5% का नोट है ये वाला। कल मैं एक मार्केट जाऊँगा जहाँ पे ना सारे नोट ही नोट मिलते हैं, तो मैं अच्छी क्वालिटी वाले लेके आऊँगा सारे, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के अच्छी क्वालिटी वाले ले लेंगे, और यहाँ से बोट आएगी वो हमको रामपुरा ले जाएगी, मतलब 25% लगा लो, 17-18-20 इंडियन रुपये लगा लो। चलो भाई ये आ गई अपनी बोट रामपुरा, और ये नदी तो नहीं है क्योंकि यहाँ से बंद हो गई ना, नदी तो नहीं है, ये लेक ही है गुलशन लेक। यहाँ से धुंध हो रखी है पूरी, कई लोगों ने आज की फ़ोटो खींची है रात की, बड़ी मतलब सुंदर सी आती है, पर मेरे को लग रहा है एडिटेड है वो फ़ोटो। उस तरफ था गुलशन, इस तरफ है अपना होटल। गाड़ी
ये आ गई भाई एक और बोट, यहाँ से दो जगह बोट जाती है। मेरे को रामपुरा समझ में आया क्योंकि वहाँ से मेरा होटल पास है। तो बांग्लादेश में ना भाई अगर आप मैप भी जूम करके देखोगे ना, ढाका आपको ऐसा लगेगा कि नदियाँ ही नदियाँ नदियाँ ही नदियाँ जा रही है ढाका के अंदर से। तो इनका वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, मतलब जैसे दिल्ली में यमुना नदी तो है पर उसमें कोई बोट मतलब ऐसे चलती नहीं हो भाई, कितनी हिल रही है भाई, पूरा हिला दिया भाई इसने। पर चलो लेक है, डूबेगी नहीं, मतलब डूब तो सकती है ऑफकोर्स ही बात है, पर लहरें नहीं आएंगी। चलो भाई अपनी बोट निकल चुकी है, बहुत दिन हो गए मतलब बोट बोट में बैठे हुए ऐसे। इस तरफ घरों की बिल्डिंग है, इस तरफ भी घर हैं, ऑफिस हैं, और ये काफ़ी बड़ी लेक है यार, इसमें से जा रहे हैं हम। भाई ये आया पहला स्टॉप जिसका नाम है पुलिस प्लाजा, तो अब यहाँ रुकेगी और फिर यहाँ से देखो कोई नहीं उतरा, बस चढ़ रहे हैं लोग और फिर जाएगी रामपुरा। ये उतर गया भाई रामपुरा, देखो रामपुरा जेटी हमने लिखा है, ठीक है। और भाई मेरे को ये पता चला है कि इस साल भी शेख हसीना इलेक्शन जीत चुकी है, जो रिक्शा वाला बता रहा था। रिक्शा वाला यही कह रहा था कि भाई पता नहीं मतलब चीटिंग ही हुई इलेक्शन में, मेरे को लग रहा है ऐसा कह रहा था। और मैं पढ़ भी रहा था, पांचवी बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है, मतलब बन गई है, बनने का जा रही है भाई। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनके जेड प्लस सिक्योरिटी वाले ऑटो। मतलब खोल भी वहीं से सकता है बंदा, पता नहीं कितनी है भाई, पहले 300 कहता, फिर मैंने कहा 150 देगा, 150 रुपया देगा, तो भाई बोलता 200, मैंने कहा चल यार अभी क्या दिमाग खपाऊँ मैं जो पैदल चलते हैं ना रिक्शा, मतलब जो पैरों से चलाते हैं उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करता, इनके साथ करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि इनका तो भाई मेहनत नहीं लग रही ना कुछ, इनका टाइम ही लग रहा है बस, उनकी बेचारों की मेहनत लग रही है। तो भाई मतलब ये क्यों कर दिया, मतलब क्या है ये भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जेल में बैठा हूँ मैं, चारों तरफ से बंद कर दिया। वो तो खुलता भी नहीं है वो वाला दरवाज़ा, तो सिर्फ ये वाला खुलता है, वो भी जब ड्राइवर खोलेगा, मतलब खोल तो सकता हूँ मैं, पर हाँ ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल है सारा, जब तक पैसे नहीं दूंगा भाई खोलेगा नहीं। जेल है भाई ये, ठीक है यार, टच वच नहीं होएगा और फ़ोन चोरी का भी नहीं है। चलो भाई 200 रुपये का ऑटो लेके मैं वापस पहुँच गया हूँ अपने होटल। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर बांग्लादेश कह रहा हूँ ढाका में थोड़ा बहुत घूम के आ गया, कल 2-3 जगह मैंने रखी हैं जहाँ पे मैं घूमूंगा। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।